हेलो गाइस आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं सी एस यू रिजल्ट दो हज़ार चौबीस अगर दोस्तों आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ कोर्स के लिए एग्ज़ाम दिए थे हाल ही में जैसे बी एल ए बी कॉम एल एल बी तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आज की डेट में कुछ सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं जैसे फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फाइव सेमेस्टर सेवन सेमेस्टर और नाइन्थ सेमेस्टर जो स्टैंड आप वेट कर रहे थे रिजल्ट का तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आज की डेट में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिजल्ट जाकर देख सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से जाने के रिजल्ट आपको कहाँ देखने कैसे देखने हैं लास्ट आप वीडियो बन रही है और देखिए फुल प्रोसेस तो चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ आपको लिंक सभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो देख सकते हैं मैंने पहले से लिंक ओपन किया हुआ है इसका लिंक आपको कोटेशन बॉक्स मिल जाएगा डायरेक्टली ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने लैपटॉप के माध्यम से अब इस कोर्स तो नीचे आएंगे तो पहले कुछ अपडेट वाले यहाँ जान लीजिए जो भी रिजल्ट की अपडेट होगी आपको ये सभी यहाँ पे देखने को मिलेगी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बी एल की फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट डिक्लेट हो चुका है आज की डेट में चाहे बी एल हो या बी कॉम हो या एल थर्ड सेमेस्टर फाइव सेमेस्टर जो भी अपडेट होगी सभी रिजल्ट की आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही अभी कुछ दिन पहले जैसे नाइन्थ सेमेस्टर सेवन्थ सेमेस्टर और फाइव सेमेस्टर रिजल्ट जारी हो चुके हैं तो आज की डेट में फर्स्ट सेमेस्टर जारी हो चुका है और दोस्तों तो तो एक नोटिस सब चीज़ करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ ऑल डिक्लेयर्ड और लिखा है यहाँ पर डिटेन योर कॉलेज कोड तो सिंपली बता देते हैं जैसे यहाँ पे कॉलेज कोड आपको दिए गए हैं इन कॉलेज का कोड यहाँ पर जो दिए हैं उनका रिजल्ट रोक दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा क्योंकि कुछ अपडेट यहाँ पर नहीं मिली होगी यूनिवर्सिटी को इसलिए यहाँ पर रिजल्ट रुक गए हैं और जहाँ पर लिखा है ऑल डिक्लेयर्ड सभी कॉलेज के जितने यहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं बी एल बी के वहाँ पर सभी के रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं अब रिजल्ट आपको कहाँ देखना है कैसे देखना है किसी भी सेमेस्टर का आपको यहाँ पर ही ऊपर आना होगा यहाँ आपको लिखा है एंटर रोल नंबर आपके यहाँ ब्लैंक कॉलम में यहाँ पर देख सकते हैं आपको डालना है अपना रोल नंबर जो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड होगा वहाँ आपको रोल नंबर मिल जाएगा वहाँ से रोल नंबर उठाइए और यहाँ पर फ़िलप करिए फ़िलअप करने के बाद में एग्ज़ाम्पल तौर तो आप चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देते हैं जैसे आप रोल नंबर फिलप करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल तौर पर रोल नंबर डालने के बाद करना है आपको यहाँ पर रिजल्ट व्यू यू पे क्लिक दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर फर्स्ट वाले पे रिजल्ट व्यू पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसी डिटेल ओपन हो जाएगी ये बेसिक डिटेल आपको जो दिखाई दे रही है आपकी आपको भी ऐसे यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए जो भी आपका कोर्स होगा शुरू में आपको यहाँ पर दिखाई देगा रोल नंबर एलोमेंट नंबर उसके बाद नेम हो गया फादर नेम हो गया मदर नेम हो गया उसके बाद कोई आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी ये दोस्तों डिटेल आपको दिखाई दे रही है एग्जाम्पल तौर तो पर आपको रिजल्ट ये दिखाई दे रहा है उसके बाद देखना आपको रिज़ल्ट कि आपका कितने मार्क्स आए कहाँ देखने हैं आपको जाना है मार्क्सिट प्रिंट क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर मार्कशीट आप देख रहे हैं इसी तरह से यूनिवर्सिटी की मार्कशीट आपके हाथ में बनकर आएगी तो सिंपली आपको जो अपना रिज़ल्ट चेक करना है तो आपके यहाँ पर दिखाई देगा आपके यहाँ पर सभी डिटेल मार्क्स की कितने मार्क्स आपके आए हैं कितने मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए हैं तो सभी आपको यहाँ पर अपने दिखाई देंगे तो दोस्तों यही आपका रिजल्ट का बेसिक है सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो पे देखेंगे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएंगे इसी माध्यम से अगर प्रिंट आप यहाँ पर मार्कशीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आपको प्रिंट का मार्कशीट आपको कभी आप देखने को मिलेगा ये रहा तो यहाँ से प्रिंट आप कर लेंगे स्क्रीन भी ले सकते हैं अपने फ़ोन में क्योंकि जो मार्कशीट आपकी होगी वो आपको यहाँ पर कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज द्वारा ही मिल पाएगी तो दोस्तों ये था बेसिक प्रोसेस बी एल बी बी कॉम एम बी बी या किसी भी सेमेस्टर का एल का रिजल्ट निकालना चाहते हैं इसी माध्यम से आप रिजल्ट आप निकाल सकते हैं और दोस्तों एक बेसिक जानकारी किसी माध्यम से आपकी मार्कशीट में कोई आपका नाम गलत आता है जैसे नाम हो गया अपना फादर नेम हो गया या मदर नेम हो गया तो यूनिवर्सिटी द्वारा जाकर आप भी अपडेट करा सकते हैं रिजल्ट आने पर ही उसके बाद एक बार मार्कशीट बन गई तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है बाद में अपडेट होने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए अभी जो भी अपडेट कराना चाहते हैं रिजल्ट की मार्कशीट आने से पहले करा सकते हैं तो दोस्तों ये थी बेची जानकारी जो आपको दी गई है इस माध्यम को कुछ समस्या आपको आए तो कमेंट उस कमेंट कर सकते हैं आपकी हेल्प की जाएगी मेरी क्या जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चाहे करना ना भूलें ऐसी नई नई अपडेट देखने के लिए और टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं नई नई अपडेट के लिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत